के सुरक्षित भविष्य की बात करती हूँ। आपने किरण चौधरी जी को कितना प्रताड़ित किया, अपनी पार्टी की सीनियर नेता को, कि उनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, और आज हमारी बहन शैलजा को आप किस तरीके से खून के आंसू रुला रहे हो। अगर आप इतना ही दलितों का समर्थन करते हैं तो आप बहन शैलजा जी का मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं घोषित करते? आप दलितों के समर्थक हैं, बहन शैलजा जी को पूछ नहीं रहे। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक हैं, आप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से घोषित नहीं कर रहे। आप केवल एक समर्थक हैं, समर्थक दीपेंद्र हुड्डा। कल हमारा जो संकल्प पत्र आएगा, जो एक पूरे के पूरे हरियाणा में तहलका मचाने वाला संकल्प पत्र आएगा, वो कल उसका विमोचन करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कल यहाँ पर 11 बजे मीडिया सेंटर रोहतक में पहुँचेंगे। तो मेरी सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं से प्रार्थना है कि आप कल अवश्य यहाँ पर आएं और इस कार्यक्रम के में हिस्सा। और जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात आप हुड्डा साहब करते हो, तो 50% महिलाओं को हरियाणा में पंचायती राज में आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 33% विधायक हो चाहे सांसद हो, नारी शक्ति बंधन के माध्यम से किसने दिया आरक्षण? मोदी जी ने दिया आरक्षण। आज हरियाणा में 7,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6,00,000 परिवारों को, 6,00,000 बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने का, स्वावलंबी बनने का जो योजना थी वो कौन लेकर आया? वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। आज 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पूरे भारत में लखपति दीदी बनी है और बहनें सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। और इस तरीके से क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये सुनिश्चित किया कि एक भी नौकरी अगर किसी को युवा को मिलेगी तो ईमानदारी के आधार पर मिलेगी। एक पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बनाई और इससे सुरक्षित भविष्य। आज युवाओं का कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा दे नहीं सकती। और आपने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अरे जो पहले से ही मिल रहा है उसको आप आके क्या परिवर्तित करेंगे? हम तो दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम देंगे, तो कुछ तो दिमाग लगा लेते। ये है कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा। और कल